hello dear listeners dear listeners we are doing chapter 12 conquering distancing and yesterday i have explained about invention of wheel okay. the invention of wheel changed the life of early man he made a cart and loaded heavy goods on it he also trained horse and donkey to pull the cart and trans um, and transportation of People and good become easier. The progress in the mean of transport in, is closely related to the invention of wheel. We can see wheel everywhere: rickshaw, bicycle, skate, cart train, plane, machines, factory, and uh, farm equipment. The wheel has changed our round from sorry, the wheel has changed from round blocks of wood to रबर टायर विद एयर फिल्ड ट्यूब मैनी टायर्स आर ट्यूबलेस यू कैन इमेजिन अ लाइफ विदाउट व्हील टुडे। नाउ आई विल शो यू एंड टेक द नेक्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल विल शो यू दिस पिक्चर द पिक्चर बिलो शो डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ व्हील तो ये डेवलपमेंट है व्हील की व्हील की स्टार्टिंग कैसे हुई थी पहले लॉग से ठीक है इस तरीके का बनाया गया फिर उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया होल गाए गए चेंजेस की गई आप देख सकते हैं डिफरेंट है ना? है ना स्टेजेस हैं इसकी पर ये उस समय क्या था वुड यूज़ होता था फिर प्रेजेंटली क्या है हम क्या यूज़ करते हैं रबर टायर्स और क्या फील होता है उसमें एयर एयरफील की जाती है ट्यूब बट कई ऐसे भी होते हैं जैसे हमने पढ़ा है जो कि क्या होता है मैनी टायर्स आर ट्यूबलेस ठीक है ट्यूबलेस रहेंगे तो देखते हैं पिक्चर में कैसे स्टार्टिंग में इन्होंने इसको यूज़ किया ठीक है फिर प्रॉपर व्यूज बना के सामान को लोड किया नाउ डू यू नो क्या आप जानते हैं बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हील आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अदर फील्ड लाइक स्पिनिंग व्हील्स इन प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल वाटर व्हील्स इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स स्प्रिंग व्हील्स इन व्हीकल्स एंड ग्राइंडिंग व्हील्स फॉर मेकिंग फ्लोर फ्रॉम गे ठीक है इसके साथ साथ ही इसके अलावा जो क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट में तो यूज़ करते हैं पर इसके अलावा क्या है व्हील्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि और भी फील्ड्स में अलग अलग जगहों पर क्या नहीं ट्रांसपोर्ट में तो हो रहा है यूज़ कार में बस में जो भी जितनी व्हीकल्स है उसमें क्या है व्हील का यूज़ होता है बट उसके साथ साथ क्या है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि इसमें अलग फील्ड में जैसे स्पिनिंग व्हील्स स्पिनिंग व्हील्स से क्या होता है प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स कपड़े जो हैं बनाए जाते हैं स्पिनिंग यूज व्हील को यूज़ करके और वाटर व्हील से क्या करते हैं जो कुओं के अंदर से जो है पानी निकाला जाता है तो स्टेयरिंग व्हील्स है स्टेयरिंग व्हील्स इन व्हीकल्स स्टेयरिंग व्हील्स विंग्स सॉरी व्हील्स होते हैं उससे क्या है गाड़ी को घुमाया जाता है स्टेरिंग ठीक है और ग्राइंडिंग व्हील्स फ्रॉम मेकिंग फ्लोर फ्रॉम ग्रेन्स जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं पीसने वाली व्हील्स होते हैं उनसे क्या बनाते हैं उनसे जो ग्रेन को पिसा जाता है क्या बनाया जाता है फ्लोर्स यानी कि आटा बनाया जाता है ठीक है तो जो व्हील का यूज़ सिर्फ ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में नहीं क्या आता है बट अलग अलग फील्ड में भी यूज़ होता है तो, कॉटन टेक्सटाइल बनाने के लिए मैंने बोला वाटर को खींचने के लिए ट्रेडिंग मिल्स गाड़ी को चलाने के लिए क्राइंडिंग मिल्स और जो है ग्रेन्स को पीसने के लिए ठीक है तो अलग अलग यूज़ होता है व्हील का तो ये जो है व्हील क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माई लाइफ का नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब जो है डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम डिस्कस करूँगी सबसे पहले क्या है रोडवेज तो रोडवे ट्रांसपोर्ट का क्या है रोडवेज ट्रांसपोर्ट आपको पता है रोडवेज से पता लग गया तो रोड पे चलने वाले होंगे वो क्या होंगे रोडवेज ट्रांसपोर्ट होंगे तो कौन कौन से हैं वो का बसीज ट्रक्स बुल ऑफ कारगाज बाइसिकल स्कूटर्स एक्सेट्रा मूव ऑन रोड्स तो ये बोल रहे हैं कार बस ट्रक बुलॉकार तांगा बाइसिकल स्कूटर्स ये सारी के सारी कहाँ पर चलती है रोड पर चलती है कार बसेस एंड ट्रक्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल बट इन सब में अगर देखा जाए जैसे तो बुलॉक है तांगा है ठीक है सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाली कौन सी है अगर हम कंपैरिजन करें तो कार बसेज या ट्रक है ये क्या है आ, आर फास्ट मूव व्हीकल्स तेज चीज चलने वाली हैं व्हीकल्स हैं जो तो हमें जल्दी पहुंचा देते हैं जहाँ भी हमें पहुंचना होता है जाना होता है दे टेक लेस टाइम बहुत ही कम टाइम लेते हैं ठीक है ठीके? चलने के लिए फास्ट मूविंग व्हीकल्स यूज़ पेट्रोल डीजल एंड सी एन जी टू रन जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं इनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है पेट्रोल चाहिए होता है डीजल चाहिए होता है और सी एन जी ठीक है तो सी एन जी क्या है मैं यहाँ पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर पहले को डिस्कस करूँगी नो सी एन जी क्या है सी एन जी मीन्स कम प्रेस्ट नेचुरल गैस ठीक है इस क्रिएट्स लेस पोल्यूशन तो कि ये क्या है सी की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्रेस नेचुरल गैस कम्प्रेस नेचुरल गैस है हम और ये करती है बहुत सेफ होती है क्योंकि इससे क्या होता है पोल्यूशन नहीं होता है मना अगर आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं तो आपको पता है स्मोक निकलता है इनसे ठीक है जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है बट तो, जो सी एन जी अगर हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कैसे तो ये बोल रहे हैं जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल डीजल एंड सी एन जी यूज़ किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए दे स्लो मूविंग द स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक रिक्शा बाइसिकल एंड तांगा यूज़ मैन और एनिमल पावर बट जो स्लो मूविंग व्हीकल्स है चाहे वो रिक्शा है बाइसिकल है या तांगा है उनको कौन चलाता है किसको यूज़ किया जाता है या तो मैन या फिर एनिमल पावर उसको पता ही है रिक्शा के लिए भी किसकी जरूरत होती है मैन की मैन चलाते हैं रिक्शा को बाइसिकल कौन चलाते हैं ठीक है आप लोग बच्चे कोई भी चलाते होंगे छोटे बच्चे भी चलाते हैं बड़े भी चलाते हैं वॉक कोई भी जाते हैं उसको लेकर मतलब साइकिलिंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे बहुत जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में साइकिलिंग करने के लिए बाहर ठीक है तो कौन चला चला रहा है इसको मैन ही चला रहे हैं भाई तो जो टांगा है उसको तो कौन चलाता है एनिमल पावर से चलता है ठीक है तांगा किससे चलेगा एनिमल पावर से So, हाँ पता लग गया होगा जो रोडवेज के हैं रोडवेज़ के आ, में चलने वाले कौन से व्हीकल्स हैं कार बसेस ट्रक ब्लॉक कार्ट तांगा बाइसिकल स्कूटर्स एक्सेट्रा ये फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं ठीक और उनको चलाने के लिए क्या चाहिए पेट्रोल डीजल और सीएनजी बट जो स्लो मूविंग व्हीकल है चाहे रिक्शा है, है बाइसिकल है तांगा है उसको चलाने के लिए कौन सी होता है तो मैन और एनिमल पावर की जरूरत पड़ती है सो डे स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे बट विल डू यू विल रीड दिस पैराग्राफ टमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे